हाय फ्रेंड्स, सरकट ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकट ट्रेडर्स चैनल में हर रोज की तरह मैं कौशिक सरकार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। दोस्तों, कल का वीडियो में भी मैं दिखाया था दिसंबर सेशन का ब्लूप्रिंट। दिसंबर सेशन पूरा निफ्टी किस तरह का बिहेव कर सकता है, इसका ब्लूप्रिंट मैं कल आपको बना के दिखाया था और आज का वीडियो भी मैं बना के दिखाऊंगा कि दिसंबर सेशन आपको कैसे रह सकता है। तो हमारा जो एनालिसिस है वो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम दिल हिट होता है टारगेट, और इस तरह का वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहना है। फुल्ली टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन करके हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो मैं दिखाता हूँ, साथ में कोई स्टॉक अगर अच्छा लगता है तो उसको भी जिक्र करते हैं। तो देखिए, आपका भी अगर दिल में कोई स्टॉक है, आपका होल्डिंग कोई स्टॉक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसकी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि कल किसी फ्रेंड्स ने रिलायंस के बारे में पूछा था तो मैं उसका डिस्कस किया और इस वीडियो का अंत में भी उसको भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से हमने किसी को बाइंग या सेलिंग का सलाह नहीं देते हैं, जो हमारा टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लेवल निकल के आता है वो लेवल का हम डिस्कस करते हैं। तो यह हमारा नंबर है, आपको मार्केट से संबंधित कोई जानकारी लेना है तो इस नंबर से कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधे सीधे देखते हैं हम टेक्निकल चार्ट होता क्या है, टेक्निकल चार्ट में कैसे हम देख सकते हैं और क्या लेवल बन के आ रहा है मंडे सेशन के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप हमारे टेक्निकल चार्ट आप देख पा रहे हैं जो कि आपके साथ शेयर करता हुआ मैं वीडियो बनाता हूँ, और एक वीडियो में दिन में पोस्ट करता हूँ जो कि लाइव मार्केट में कॉल दे के उसका टारगेट अचीव होने तक हम इंतजार करते हैं, और उस वीडियो के माध्यम से किस प्राइस पे बाइंग किए हैं और टारगेट होने तक हम इंतजार करते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल पे देख सकते हैं, इंटरडे कॉल लाइव मार्केट कॉल और टारगेट इस नाम से है। हर मैक्सिमम दिन का मैं लाइव मार्केट में एक वीडियो बनाता हूँ, कॉल देता हूँ, उसके बाद उसको टारगेट अचीव कराता हूँ, उसके बाद उस वीडियो को क्लोज किया जाता है। तो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट डे के लिए मंडे सेशन के लिए और 5 दिसंबर निफ्टी का क्लोजिंग किस जगह पे हो सकता है इसका हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कल देखिए, मैं क्लियर आपको बताया था इस लेवल से ऊपर अगर जाता है तो 12,200 पे हमारा निफ्टी का रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, 200 और 12,150 इसका बीच में किसी जगह पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। आप आज का हाई या क्लोजिंग अगर लो देखेंगे तो हम यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे हाई या लो क्या है निफ्टी का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओपन हुआ है 12,146, जो कि हमने बताया था 12,150 और 200 के बीच से किसी भी जगह से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो बिल्कुल यहीं से ही गिरावट शुरू हुआ और हाई वही जो ओपनिंग हुआ था वही हाई है, लो बनता हुआ दिखाई दिया जिस लेवल तक मैं नीचे का एक्सपेक्टेशन कर रहा था इसी लेवल का 12,000 नियर अबाउट 12,000 का। तो आपको बिल्कुल सही जानकारी मैं कल दिया हूँ और आगे वाले दिन के लिए भी मैं सही जानकारी देने का कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो 10 डेज मूवी एवरेज, बिल्कुल इसी 10 डेज मूवी एवरेज को सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अभी अगले दिन क्या हो सकता है यहाँ से देखिए, अगर अगले दिन ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने कुछ डिसीजन बनाइए। कोई लोग क्या होता है निफ्टी को पोस्ट करते हैं और निचोड़ने का कोशिश करते हैं कि क्या निकल सकता है, मैं निचोड़ के आपको बताता हूँ, फिर इसके आगे निचोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप उल्टा सीधा काम करते हैं और फिर गलत ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। मैं पहले भी कहा हूँ, आप ट्रेडिंग लेने से पहले मुझे पूछिए तो मैं कुछ निष्कर्ष दूंगा, ट्रेडिंग लेने के बाद फिर पूछते हैं थोड़ा सा उस जगह पे कंफ्यूजन हो जाता है, करेक्ट आंसर शायद आपको ना मिले। तो आज किसी दोस्तों ने पूछा था बैंक निफ्टी में क्या हम बाइंग कर सकते हैं 32,200 के लिए, लेकिन मैं उनको उसी जगह पे मना किया था कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। ऐसे आपने अगर पोजीशन बनाना है तो पूछ सकते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा व्हाट्सएप में। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 डेज लाइन है, इस लाइन के मतलब नेक्स्ट डे आपको अगर 12,000 से नीचे ओपनिंग होता है या तो मॉर्निंग सेशन में अगर 12,000 नियर अबाउट ओपन होके गिरावट आता है तो यहाँ से आपको 11,900 का लेवल हमें फास्टली दिखाई देगा, जो कि नियर अबाउट 11,900 का लेवल तक आ सकता है। इसके बाद डिसीजन करेगा कि 11,900 से और टूट सकता है कि नहीं, अगर टूटेगा भी तो 11,850 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक दिन में नहीं, मैं मंडे का सेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर 11,900 का करीब आके क्लोजिंग होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है 11,850 के करीब भी लेके जा सकता है, लेकिन छोटा सा एक चांसेस बनता है टेक्निकल चार्ट के हिसाब से कि यहाँ से एक सपोर्ट ले ले। लेकिन इस बात को और क्लियर करके हम समझेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से कि ऑप्शन चेन हमें क्या बयान कर रहा है, कहाँ पे हमें बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन चेन जाने से पहले यहाँ पे हम देखते हैं जो एनएससी इंडिया के साइड में एडवांटेज कितना रहा है शेयर और डिक्लाइन कितना है। तो यहाँ पे एडवांटेज और डिक्लाइन के मामले में हम देख रहे हैं जो 42 शेयर डिक्लाइन है और 8 शेयर्स ओनली एडवांटेज है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 10% क्लियरली
या नेगेटिव साइड में ही जा सकता है। देखिए दोस्त, कल हमने आप लोगों को जिक्र किया था भारती एयरटेल और रेमंड बीपीसीएल, देखिए तीनों स्टॉक सुबह में जबरदस्त आपको उछल दिखाया और अच्छा खासा प्रॉफिट के साइड में दिखाया, और नेक्स्ट मंडे सेशन के लिए भी मैं कोशिश करूंगा एक दो स्टॉक आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये था एनएससी इंडिया का साइड, यहाँ पे आप देख के आप इंट्राडे का कॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव मार्केट में जा रहा है तो यहाँ से आप नेगेटिव साइड का कॉल भी ले सकते हैं, पॉजिटिव मार्केट जा रहा है तो यहाँ से आप पॉजिटिव साइड का कॉल भी देख सकते हैं। तो चलिए एनएससी इंडिया का साइड में हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस ढूंढूंगा, तो एक कॉल साइड्स के माध्यम से हम ढूंढते हैं, देखिए कॉल साइड्स, और इस कॉल साइड्स के माध्यम से हम ढूंढते हैं रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा है। तो देखिए जिस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस स्ट्राइक प्राइस के बहुत ज्यादा होता है वहां पे हम रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मानते हैं, क्योंकि क्या कारण है यहाँ पे, यहाँ पे कारण यही है कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, मतलब अभी हम निगाह रखे हैं 11100 पे, तो हम देख रहे हैं 11100 के ऊपर सेलर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, मतलब लोग यहाँ पे कॉल राइट कर रहे हैं ये माना जाता है। लेकिन इसके अंदर का भी जो बात होता है वो हम कोर्स में दिखाते हैं और उसको जानने का कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक प्राइस के ऊपर एक्चुअल कितना बायर और कितना सेलिंग हुआ है। तो इस छोटा वीडियो के अंदर इतना सारी चीज दिखाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो मोटे तौर पे जो दिखाई दे रहा है, जो 12 लाख का सेलर सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या है 12200 को निकाल के ऊपर जाना थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा दिक्कत लग रहा है मंडे सेशन के लिए। लेकिन कभी भी सैटरडे संडे के बाद जब मंडे आता है तो मंडे को आपको 15 मिनट मार्केट को देखना है, 20 मिनट आधे घंटे आप मार्केट को देखिए, क्योंकि 7 घंटे का मार्केट होता है हमारा इंटरडे में। तो 7 घंटे के अंदर आपको अगर 1 घंटे भी बीत जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही लेवल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी जानकारी मैं इस वीडियो को मतलब से देता रहूंगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12200 का जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है इसी के ऊपर हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर हम नहीं देखेंगे फिलहाल। अगर किसी खुदा ना खास्ता इसको ऊपर अगर चला जाता है तो 12200 मस्ट, नियर अबाउट 12200, ठीक है, नियर अबाउट मतलब 12180 का लेवल के आसपास तक इसको ऊपर अगर जाए तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाना मुश्किल है थोड़ा सा। और नीचे का देखिए 12050, इसको ऊपर भी हम 3 लाख का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहा है, मतलब इसके ऊपर भी लोग पुट साइड में सेल कर रहा है, ये जितना क्वांटिटी लोग सेल कर रहा है इसका मतलब इन लोग मान रहा है कि 12050 के ऊपर ही निपटी रह सकता है। लेकिन ऊपर जो हम देख रहे हैं 12100 पे, यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पे कॉल राइटर है, ठीक है दोस्तों। नीचे कहाँ तक जा सकता है इसका अगर जिक्र करें तो 11900 के ऊपर हमारा लाइन सबसे पहले जा रहा है, जहाँ पे हम 213000 का यहाँ पे सेलर प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, लेकिन ऊपर जो कॉल साइड में जो सेलिंग प्रेशर है वहां पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, जो कि 12 लाख का दिख रहा है। देखिए जो ऑप्शन चेंज जो बयान करता है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ना कि कोई मनगढ़ंत बात है यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या देख रहे हैं, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं 12100 के ऊपर नहीं जाएगा, नीचे 12050 को टूटेगा तो 12900 की तरफ निपटी जाने का चांसेस यहाँ से बन रहा है, ओके दोस्त। और ये फिगर जैसे मंडे को अगर चेंज हो जाता है तो फिर उसके हिसाब से हमें रणनीति बनाना चाहिए। तो चलिए इसके साथ देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा क्या स्थिति बन रहा है और कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, क्या लेवल दिखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में ओपन हाई अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हुआ है 32074 पे, जो कि मैं कल आपको बताया था 32200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और 32100 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है, लो हुआ है 31770। देखिये यहाँ पे एक मिस्टेक मैं कल किया था, जो कि आपको 32000 का लेवल ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट नीचे का लेवल क्या आ रहा है ये मैं आपसे बताया नहीं। तो मैं जब देख रहा था तो यहाँ पे आपको बताना चाहिए था कि 32000 का लेवल अगर ब्रेक करता तो 31800 तक का लेवल मुझे यहाँ से 200 पॉइंट का क्लियरली मूवमेंट देखने को मिल रहा था, जो कि मैं कल का वीडियो में नहीं जिक्र किया हूँ, इसके लिए सॉरी। अच्छा हाई देखे तो बिल्कुल ही 32086 का हाई है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और इसी हाई से और ऊपर नहीं जा पाया, मतलब लगभग ओपनिंग के बाद ऊपर नहीं जा पाया, कंटिन्यू यहाँ से गिरावट ही जारी रहा। तो यही सब चीज आप लोगों को मैं मेरे इस फ्री वीडियो के माध्यम से सिखाने का कोशिश करता हूँ। अगर मॉर्निंग सेशन में जो हाई बनाता है उस हाई को अगर ब्रेक नहीं किया है, उसको नीचे नीचे चल रहा है, तो आपको तब तक डाउन ट्रेंड का व्यू बनाना चाहिए जब तक ना उस हाई को ब्रेक कर रहा है, ओके दोस्त, ये क्लियर है। चलिए यहाँ पे जब इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट के माध्यम से हम क्या लेवल देख रहे हैं देखने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से और गिरावट आ सकता है दोस्त, ठीक है, यहाँ से और गिरावट आ सकता है, लेकिन आपको मंडे सेशन में यही ध्यान देना है कि शुरू में आपको गिरावट आ रहा है या बायर आ रहा है, सेलर आ रहा है या बायर आ रहा है,
अगर थोड़ा सा सेलर आता है तो यहाँ से और गिरावट आ सकता है, जो कि आपको फर्स्ट लेवल वही जो लग रहा है 31,700 के आसपास, नियर अबाउट 31,700 से 800 के बीच में। और इसके बाद अगर गिरावट आता है तो 31,500 से 600 लेवल, 31,500 से 600 लेवल तक आपको फर्स्टली जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो नीचे के लिए आ सकता है दोस्तों, ठीक है। जो कि मैं कल का वीडियो में बताया था कि एक गिरावट मुझे लग रहा है, लेकिन ये कब आएगा, आ जाए या कल आए, लेकिन आना चाहिए गिरावट निफ्टी में 12,000 के करीब और बैंक निफ्टी में 31,500 के आसपास। तो निफ्टी का 12,000 का करीब जो टारगेट था, गिरावट था, वो तो आपको अचीव हो गया है। और बैंक निफ्टी को और अच्छे से समझेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन में हम ढूंढेंगे रेसिस्टेंस कहाँ पे फेस कर रहे हैं, 32,000 पे, लेकिन ये रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कि निफ्टी में था, ठीक है दोस्तों। देखिए निफ्टी का 50 स्टॉक में अगर निफ्टी को गिरा रहा है तो बैंक निफ्टी का जो 2-4 हेवी वेटेज वाला स्टॉक है ये भी अगर गिरने का चांसेस रखता है, और ये गिर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी गिराएगा, और बैंक निफ्टी अगर गिर रहा है तो आपको निफ्टी को भी गिराएगा। देखिए ये पूरा कॉम्बिनेशन है, एक के साथ एक चेन सिस्टम में जुड़ा हुआ है दोस्तों, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 31,900 लेवल को, आप ध्यान रखिए इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको 31,600 को नियर अबाउट 31,600 और 500 के आसपास का निफ्टी फर्स्टली मूवमेंट दिखा सकता है, ओके दोस्त। मेरा बातों को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से अपना अपना लेवल चुनिएगा, ठीक है। वीकली एक्सपायरी का जिन लोग होल्डिंग पोजीशन रखते हैं उनसे तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, होल्डिंग पोजीशन तभी रखें जब आपको क्लियर कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बेटर और अच्छा तरीका है आप एक ही दिन में काम करके बाहर हो जाइए, ना कोई आपको टेंशन रहेगा, ना आपका रात को नींद का कोई डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर आपके पास होल्डिंग है, देखिए जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोग होल्डिंग पोजीशन बना रखे हैं उन लोग दिल से कहना और कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना कि आप अगर बिना टेंशन का रात को सो सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव व्यूज बता रहा हूँ, आप इसके बाद में और भी 4-5 वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, और भी 4-5 वीडियो ओपन करके देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि आपका पोजिशन होल्डिंग है। अगर बाइंग साइड में है तो किसी ने अगर बाइंग साइड में अच्छा बोला है तो आपका दिल थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। अगर आपने सेलिंग साइड में या तो पुट साइड में ले रखे हैं और किसी ने आपको पुट साइड के बारे में अच्छा बोला है जो पुट साइड में जाएगा तो आपको दिल थोड़ा सा खुश हो जाएगा, फिर भी आपको दिल में थोड़ा सा तानाशाही रहेगा जब मंडे को होगा क्या, मंडे को होगा क्या। तो क्यों हमने दिमाग में इतना टेंशन भर के रखना है दोस्तों, इंटरडे में काम कीजिए। अगर इंटरडे में नहीं कमा पा रहे तो होल्डिंग पोजीशन बना के आप मेरे ख्याल से इतना कमा नहीं पाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरा कोर्स का जो मेन मुद्दा है जो आपको स्टॉक का मोमेंटम पहचानना, इंटरडे में स्टॉक का मोमेंटम पहचानना, स्टॉक का मोमेंटम पहचानेंगे तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भी मोमेंटम पहचान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू मैं आपको क्लियर कर दिया। रेमोंड में हमने कल आपको ध्यान देने के लिए कहा था, रेमोंड और भारतीय एयरटेल यहाँ से ऊपर चढ़ने वाला है। अगेन मैं मंडे को सेशन में ही कहूंगा रेमोंड अभी भी आपको यहाँ से तेजी दिखा सकता है, जो कि आपको 750 तक का लेवल यहाँ से जा सकता है। भारतीय एयरटेल में भी आपको पॉजिटिवनेस लग सकता है, लेकिन भारतीय एयरटेल थोड़ा सा आपको अगर 450 के ऊपर जाए, लेकिन भारतीय एयरटेल मैक्सिमम निफ्टी को फॉलो करता है, ऐसे नहीं है फॉलो नहीं करता है, लेकिन रेमोंड कभी कभी निफ्टी को अपोजिट भी चलता है, और जिस लेवल पे है यहाँ से अपोजिट चलना चाहिए। तो हमारा जो होल्डिंग कॉल था KSCL कबरी सीट, ये हमारा भी होल्डिंग कॉल है जो कि 5% रिटर्न के लिए, और BPCL ऑलरेडी 3% रिटर्न दे चुका है जो कि हमारा होल्डिंग कॉल है, ठीक है दोस्तों। और रेमोंड को भी आप होल्डिंग कॉल के तौर पे आज मैं देने वाला था, लेकिन मैं 2 कॉल ऑलरेडी मेरा फ्री ग्रुप चैनल में दिया था उसको बाद, इसलिए मैं होल्डिंग कॉल और दूसरा नहीं दिया हूँ तीसरा, ओके। तो देखिये ये था मेरा समझाने का तरीका, आपको अगर अच्छा लगा इस वीडियो को, देखिए रिलायंस, ये रिलायंस के बारे में किसी दोस्त ने पूछा था कल, तो मैं उनको क्लियर जवाब दिया था जो थोड़ा सा गिरावट का यहाँ से चांसेस बन रहा है, जो कि आपको 1540 और नेक्स्ट लेवल 1500 लेवल, इस लेवल के आसपास तक का गिरावट दिखा सकता है, और दिसंबर सेशन में ये 1640 तक भी यहाँ से जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे आपको भी पास अगर कोई होल्डिंग स्टॉक है कुछ अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस दोस्तों। यहाँ तक अगर समझने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा टारगेट अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक बार लाइक बटन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि मैं रोज आपको कहता हूँ जैसे 1000 सब्सक्राइब से ऊपर हो जाएंगे तो मैं इंटरडे कॉल प्रोवाइड करना भी इस चैनल के माध्यम से शुरू करूंगा। और जिन्होंने इंटरडे में कॉल पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसमें आप इंटरडे का कॉल भी पा सकते हैं। अगर आपके पास जीरोधा का प्लेटफॉर्म नहीं है, बेस्ट डिस्काउंट प्लेटफॉर्म जीरोधा और बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैं तो कहता हूँ सीखने के लिए जीरोधा का जैसे अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही आपको ना मिले। यहाँ पे 32
बड़े बड़े एनालिसिस्ट का व्यू भी आपको दिखाया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे 32 एनालिसिस का व्यू रहता है किसी भी स्टॉक के ऊपर, वहां पे आप जान सकते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर इस 32 वॉल्ट का माने हुए एनालिसिस का व्यू वहां पे दिया रहता है। इसके ऊपर मैं वीडियो पोस्ट किया था, आपने अगर नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय। अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाए ताकि मुझे जैसी जो कुछ मार्केट के रिलेटिव अच्छा वीडियो लगता है मैं इसको पोस्ट करता हूं और आपके पास पहले जाए, और यहां पे बेल आइकन नोटिफिकेशन हो जाए ताकि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। थैंक यू टाटा, बाय बाय।